दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं और ये फुली जो मैंने मॉडल क्रिएट किया वास्तु के अकॉर्डिंग किया है और ईस्ट फेसिंग है, मतलब कि आपका पूरब में इसका मुख है, मेन डोर है और इसका फुली मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग घर क्रिएट किया है। वास्तु के इसमें विशेष ध्यान रखा है, जिससे आप बहुत से लोग होते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाते हैं, तो अगर आपका घर ईस्ट फेस में है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज पूरा डिस्कस करूँगा। मैं आपको साइज़ भी इसका बता दूं, 30x40 फीट में वास्तु के अकॉर्डिंग फुली डेकोरेटेड हाउस मैंने क्रिएट किया है। वेंटिलेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा है, पूरा मॉडल मैं आज डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूं वंश झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो जो प्लान है दोस्तों आज है 30x40 में वास्तु के अकॉर्डिंग ईस्ट फेसेस, तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, बहुत ही बेहतरीन सा प्लान, आपको वेंटिलेशन वगैरह, रेलिंग, ग्रिल वगैरह सारा मैंने इस्तेमाल किया है। तो मेन डोर तो ये है, ये इसका पूरब का साइड है, मेन डोर ये है, आप देख पा रहे होंगे ये फाटक सा जो लगा है। स्टेयर्स है, इससे आगे जाएंगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया था, यहाँ पर मैंने ग्रीन एरिया कन्वर्ट कर दिया है और ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें हैं, ये विंडो वगैरह। तो आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पर इसके पहुँचते हैं तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर मेन डोर से जैसे एंट्री करते दोनों पिलर में मेन डोर यहाँ पर है, तो आपको एक सबसे पहले ये देखिएगा स्पेस मिल जाता है आगे, और इसके बाद राइट हैंड में एक लंबा स्पेस पूरा है लगभग 3.5 फिट का, तो जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहता है। तो मेन डोर जो घर का है वो ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो आपको एक बड़ा सा लिविंग हॉल मिल जाता है, पहले से ही लिविंग हॉल बड़ा सा मिलता है। और इस लिविंग हॉल में मैंने एक आगे से विंडो दिया है, एक साइड से विंडो दिया है, इसी लिविंग हॉल में मैंने इस साइड से भी आपका नॉर्थ से भी मतलब कि उत्तर से भी एक डोर दिया है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे गैलरी से। तो अगर वास्तु की बात करें तो पूर्व में अगर आपका घर है तो आपका देखिएगा सबसे पहले ये यहाँ पर एक डोर, मेन डोर यहाँ पर से एंट्री करेंगे, आप आ जाते हैं यहाँ पर, इसके बाद इस हॉल से ही सब जगह एंट्री है। ये आपका एक फ्रंट में एक छोटा सा रूम है जो कि गेस्ट रूम से बोल सकते हैं, मैंने विंडो दिया है प्रॉपर तरीके से, ये यहाँ पर गेस्ट रूम है। और ये आपका किचन एरिया आपका बड़ा सा बन जाता है, ये आपका एक किचन एरिया है, देख यहाँ से डोर दिया है। और ये इसके जस्ट साइड में ये लेटेंट बाथ है जो कि कंबाइंड है, और उसमें पीछे मैंने वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर छोड़ रखा है, जैसे किचन का भी वेंटिलेशन होगा डोर लगा देंगे, इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन होगा और यहाँ पर जो लेटेंट बाथ इसका वेंटिलेशन होगा, इसमें लिए डोर भी गैलरी से दिए। इसके बाद ये एक बड़ा सा बेडरूम है जो कॉर्नर पर क्रिएट किया है मैंने इसमें जाने के लिए, यहाँ पर यहाँ आप चाहते हैं तो यहाँ पर डोर भी एक विंडो लगा सकते हैं, प्रॉपर और वेंटिलेशन हो जाएगा। इसके बाद ये अब स्टेयर्स हैं, आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, टर्न होकर वापस आ जाएंगे, गैलरी नुमा है उसमें स्टेयर्स दी है। इसके बाद ये एक आपका बेडरूम और मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, इस बेडरूम में आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो इस बेडरूम के लिए अटैच लेटेंट बाथ मैंने ये क्रिएट किया है, ये देखिएगा अटैच लेटेंट बाथ। और ये जो एरिया है ये भी एक लेटेंट बाथ है, ये लेकिन सभी है, ओपन है, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, ये आप लेटेंट बाथ अपनी गैलरी से ही इस्तेमाल कर पाएंगे, इस गैलरी से आप जब जाएंगे तो यहाँ पर लेटेंट बाथ मैंने क्रिएट किया है। तो इस घर में आपको 3 लेटेंट बाथ मिलते हैं, 2 ओपन और 1 कंबाइंड, और यहाँ पर 3 बेडरूम मिलते हैं, एक लिविंग हॉल मिलता है, फ्रंट में आपको जगह मिलती है, साइड में आपको वेंटिलेशन के लिए गैलरी मिलती है। तो बेहतरीन सा डेकोरेटेड प्लान है आपका, ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, 30x40 जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, उसमें ग्रिल मैंने इस्तेमाल की है जो कि एक थोड़ा और डिजाइनिंग के पर्पज़ से डिज़ाइन करते हुए ग्रिल इस्तेमाल की, ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है। 30x40 फीट में आपका ग्रिल जो है वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाया है, जो कि सिंपल भी है और बेहतरीन है। ये पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग 30x40 में पूर्व मुखी घर है जो बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।